गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। और ये सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट वन देख सकते हैं। तो देखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का ये जो दूसरा पार्ट है वो हम वृत्ताकार घेरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और हम अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि छह व्यक्ति एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे। तो छह व्यक्ति जो हैं एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे। तो देखिए, केंद्र की ओर ना, तो ऐसे हम दो गोला बनाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक गोले से कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से पूरा फिगर जो है ना मिटाना पड़ता है, इस कारण से हम दो गोला बनाते हैं, दो वृत्ताकार घेरा बनाते हैं। तो चलिए, छह व्यक्ति है ना, तो आपको पहले पार्ट वन में रूल बता दिए थे कि एक अप एंड डाउन, बाकी किसी को भी कहीं रखिए, नो प्रॉब्लम। दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर वही काम करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, जस्ट वेट, पाँच छः। तो छह व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके, यहाँ केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे। तो देखिएगा, जो फिगर सेटिस्फाइड करेगा आगे तक उसको रहने देंगे, जो खराब जिस पे सेटिस्फाइड होना बंद हो जाएगा उसको मिटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है विजय सुधीर के बाई ओर है, तो सुधीर के बाई ओर है तो सुधीर को कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर। और सुधीर अगर ऐसे बैठा हुआ है तो उसका बायां हाथ बिल्कुल नीचे, तो यहाँ कौन आ जाएगा, विजय। कह रहा है विजय जो है वो सुधीर के बाई ओर है, तो ये यहाँ भी वही काम करते हैं, सुधीर को यहाँ रखते हैं, विजय को यहाँ रखते हैं। आप नीचे से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलिए ऊपर से ही अभी ट्राई करते हैं। कह रहा है अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, तो देखिए राकेश और सौरभ के बीच में अमर है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ राकेश को रखिए, यहाँ पे सौरभ को रखिए, और बीच में किसको रख दीजिए, अमर को। तो ज़रूरी तो नहीं है कि राकेश यहाँ रहेगा, हो सकता है राकेश यहाँ रहे, सौरभ यहाँ रहे, हो सकता है राकेश यहाँ रहे, सौरभ यहाँ रहे, अमर यहाँ रहे। तो इसीलिए हम दो फिगर बनाए, तो यहाँ पे अमर को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, अमर को यहीं रहने देते हैं, और राकेश को इधर कर देते हैं इस फिगर में, और सौरभ को इस फिगर में इधर कर देते हैं। जब और भी कुछ प्रॉब्लम होने लगेगा तो फिर यहाँ पे अटैच करके देखेंगे, क्योंकि जो है सुधीर और विजय से रिलेटेड दूसरा लाइन नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ रहता तो फिर उसी से रिलेटेड करते। फिर कह रहा है कि नीरव अमर के बाईं ओर है, तो अमर के बाईं ओर नीरव, अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए, अमर को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो अमर के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे कौन रहेगा, नीरव। यानी ये वाला लाइन बिल्कुल सही हो रहा है कि अमर के बाईं ओर अमर ऐसे बैठा हुआ है, तो नीरव जो है अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी ये फिक्स हो गया कि अमर यहीं पर रहेगा। तो अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर किसको रखते हैं हम लोग, नीरव को। तो अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नीरव को। तो फिर और कह रहा है, चलिए, तो ये जो है सौरभ और राकेश, इसका अभी तक क्लियरली सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, सॉरी, विजय के दाईं ओर ना, तो विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, तो पहला का आंसर हो गया नीरव। विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, अगर विजय यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए राकेश और सौरभ में अभी भी कन्फ्यूजन है कि राकेश यहाँ होगा या सौरभ यहाँ होगा, सौरभ यहाँ होगा या राकेश यहाँ होगा, ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन है। इस चीज़ से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है कि राकेश यहाँ बैठेगा या सौरभ, सौरभ यहाँ बैठेगा या राकेश, ठीक है। लेकिन ये तो सेटिस्फाइड कर दिया ना कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नीरव फिक्स है। फिर कह रहा है अमर और विजय, अमर और विजय के बीच में कौन है, तो देखिए अमर और विजय के बीच में, अमर और विजय के बीच में सौरभ भी हो सकता है, अमर और विजय के बीच, सॉरी, अमर और विजय के बीच में राकेश भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे राकेश या सौरभ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप अगर बाय ऑप्शनल बनाइएगा, ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन आ रहे हैं, लिखे रहे इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार देंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं। चलिए और क्वेश्चन को डील करते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखिए हर एक वीडियो पे, और आप अपनी कॉपी में इसको नोट जरूर कीजिएगा वीडियो को रोक के।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, अगला क्वेश्चन है कि छह व्यक्ति, क्वेश्चन को इतना लंबा लिखने से क्या फ़ायदा, सीधे लिखते हैं ए बी सी डी ई और एफ। छह व्यक्ति जो है ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वृत्ताकार घेरा बना लिया, एक और बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन इतना बड़ा बनाने से क्या फ़ायदा है, छोटा ही रखेंगे। कर छह व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, एक घेरा ये, एक वृत्ताकार घेरा ये और एक ये, इसको डील करते हैं। फिर कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में, लिख देते हैं बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। फिर कह रहा है ए ई और डी के बीच में, यफ डी के बाईं ओर है, यफ डी के बाईं ओर है, ठीक है। यफ जो है वो डी के बाईं ओर है। बताया कि कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, तो आपको बताना है कि कौन व्यक्ति ए और यफ के बीच में होगा, यफ के बीच में होगा। चलिए हम लोग डील करते हैं, छह व्यक्ति हैं तो यहाँ एक अप एक डाउन, तीन चार पाँच छः, यहाँ भी वही काम करेंगे, एक अप एक डाउन, तीन चार पाँच छः। देखिए दो दो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किसी चीज़ की प्रॉब्लम यानी किसी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सके, इसलिए दो फिगर हम बना देते हैं हर एक बार। तो देखिए प्रश्न कह रहा है बी एफ और सी के बीच में है, फिर देखिए कह रहा है कि ए ई और डी के बीच में, तो यानी इन दोनों में कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए यफ डी के बाईं ओर है, तो ऐसा करते हैं हम लोग जो है ना, सबसे पहले इस टॉपिक को उठाते हैं, इस टॉपिक को उठाएंगे तो इससे रिलेटेड ये हो जाएगा, जब इससे रिलेटेड ये हो जाएगा तो देखिए इसमें यफ लगा हुआ है तो इससे रिलेटेड ये हो जाएगा, तो बनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस टॉपिक को उठाते हैं, पहला करा ए ई और डी के बीच में, तो अगर ए को हम यहाँ रखते हैं तो ई और डी के बीच में है, तो देखिए यहाँ ऐसे भी शो हो सकता है ए ई और डी के बीच में है, यानी इसीलिए दो दो फिगर बनाते हैं ताकि समझने में परेशानी ना हो आप लोग को। कह रहा है ए जो है ई और डी के बीच में, कह रहा है यफ डी के बाईं ओर है, यफ जो है डी के बाईं ओर है, तो अगर यफ ऐसे बैठेगा, यफ ऐसे बैठेगा तो इसका बाया हाथ नीचे आएगा, अगर इस ओर आता तो इस फिगर पे यूज़ करते। कह रहा है यफ जो है डी के बाईं ओर है, यानी यफ कहाँ बैठेगा ये, तो जब ये वाला सेटिस्फाइड हो गया डी के बाईं ओर यफ बैठ सकता है, कभी नहीं ना, ये फिगर गलत हो गया, ये सही है। अब देखिए कह रहा है बी यफ और सी के बीच में है, तो बी को अगर बीच में रखना पड़ेगा तो सी कहाँ रहेगा, कह रहा है बी जो है यफ और सी के बीच में। देखिए पूरा सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन व्यक्ति ए और यफ के बीच में है, तो ए और यफ के बीच में कौन सा व्यक्ति है, डी, तो ए और यफ के बीच में है डी। तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड स्टडी के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए ड्रीम क्लासेस पे, और भी अगर आपको रीजनिंग की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे हम और प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।